हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शुभांशु आत्रे स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में अपन क्लास 11 के कार्वा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और इससे रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज 1.5 की। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। देखिए, हमने सेट पढ़ लिया, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट के बारे में जान लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू और एक सेट है ए, और ए जो है वो सबसेट है यू का। ये चीज तो आपको बढ़िया समझ में आ गई होगी। यूनिवर्सल सेट को मैं रेक्टेंगल से डिनोट करता हूं, ठीक है। इसके अंदर मेरा ए सेट है, ठीक है, सर्कल से डिनोट करता हूं। अब जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट को मैं हमेशा डिनोट करूंगा ए डैश से। कहीं कहीं आपको ए सी भी दिखेगा, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्लियर। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, क्लियर है। यानी कि यहां से क्या समझ में आया मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो यू में होंगे और ए में नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, क्लियर। तो अगर मैं वेन डायग्राम से देखूं तो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बाहर वाला जो मैं लाइन में कर रहा हूं, ये वाला पार्ट होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि यहां से ये मुझे इतना छोटा सा समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट इन सेट ए, ठीक है, जो सेट ए में नहीं होते वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं उसका। बहुत बेसिक है और इस पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं बहुत बढ़िया बढ़िया सी। तो चलिए, अगर ये छोटा सा चीज आपको समझ में आ गई होगी कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट को एक्स लिखता हूं, एक्स क्या है, यू में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा, या मैं लिख सकता हूं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। और अगर मैं वेन डायग्राम से समझता हूं तो ये मेरा यू है, ये मेरा ए है, जहां ए सबसेट है यू का, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर वाली जगह जो ए में नहीं होगी, उन सबका एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो शायद आपको बढ़िया समझ में आ गई होगी। अब चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इसकी तीन चार प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं फिर एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। अब यहां पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। और सेकंड कहता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। इसको मैं वेन डायग्राम से आपको समझा देता हूं। मान लो आपके पास ये यू है, ठीक है, और ये ए है, ठीक है। अब ये कह रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला हो गया, ठीक है। तो देखिए, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर आप मिलाएंगे तो वापस यू आ जाएगा, ये आपकी पहली वेरीफाई होगी। दूसरा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहां इस सर्कल में और इस आउटर एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता तो नल होता है, ये भी वेरीफाई हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी आती है डिमॉर्गन्स लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, बहुत ज्यादा यूज में आती है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या होता है, देखिए, मान लीजिए मैंने ये बनाया मेरा यू, ठीक है, इसके अंदर ये सेट ए, ये सेट बी, ये बात तो आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब ए यूनियन बी की बात करते हैं तो ए यूनियन बी ये पूरा हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको शायद, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा ए यूनियन बी, ओके, ये फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला, ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा, इन सर्कल्स के बाहर जो भी आ रहा है, क्लियर, ये बढ़िया समझ में आ गया होगा आपको। अब इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इस ए का कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं, ए मेरा ये रहा, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके बाहर वाला हिस्सा सारा, जिसमें ये बी वाला भी आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके इस सर्कल के बाहर वाला हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है ना बी, इसके बाहर वाला हिस्सा, इसमें ये ए का ये हिस्सा भी आ जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बाहर वाली कॉमन चीज, देखिए इस ए के अंदर
ये पूरा आ रहा है, इस बी के अंदर ये पूरा आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ये जो हमें बाहर लहराती हुई लाइनें दिख रही हैं, तो वही तो हमने लिखा है, ठीक है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करते हैं तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं, एक नया डायग्राम बना देता हूं। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ठीक है, ये यू हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी तो ये है, ठीक है। अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये, ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा, क्लियर। ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए जरा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि ये बाहर वाला, इस ए के बाहर वाला जितना भी हिस्सा है वो सब ए कॉम्प्लीमेंट होगा, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस बी के बाहर वाला हिस्सा जितना भी होगा, क्लियर है। तो इनका यूनियन, तो जब यूनियन करेंगे तो यही वाला पार्ट नहीं आएगा बस, ठीक है, और बाकी सब कुछ आ जाएगा, दिख रहा है आपको बढ़िया तरीके से, है ना। यही नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, क्योंकि ये दोनों में ही नहीं आ रहा, तो बस ये सेकंड भी वेरीफाई हो गया। थर्ड है आपका लॉ ऑफ डबल कंपोनेंट। अब यार ये तो वही बात है, उल्टे का उल्टा सीधा, ग्लास को उल्टा करा फिर उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल इज द नंबर, है ना। तो यहां देखिए, उल्टे का उल्टा सीधा होता है ना, वैसे ही ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होगा। ये देखिए, ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब यदि इसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, ये चीज हमें पता है। अब यदि मैं इस ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यहां से देखता हूं तो कितना आता है, ए, क्लियर है ना। तो बस ये ए हो गया, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ए और ये ए कॉम्प्लीमेंट, इस ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो वापस ए आ जाएगा। फिर हमारा लास्ट है यहां पे लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देखिए, यूनिवर्सल तो वो सेट है जिसमें सब कुछ आ रहा है, तो नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, अब नल सेट के पास तो कुछ भी नहीं है, तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, है ना, और सब कुछ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। उसी तरह यूनिवर्सल सेट यानी कि सब कुछ है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो भाई फिर बचा ही क्या, फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सोचिए आप, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे, यू माइनस यू, है ना, तो नल हो गया, खाली हो गया, कुछ भी नहीं रहा, तो वहां नल आ गया। ये कितना सिंपल था, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो ये इसकी चार प्रॉपर्टीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको वेन डायग्राम से भी समझा दी, और शायद बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलो यार, उतारो फिर इसकी एक्सरसाइज 1.5 की ओर चलेंगे। अब आइए एक्सरसाइज 1.5 की ओर चलते हैं। यहां एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, यू है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं लिख देता हूं यू है 1 2 3 से लेकर 9 तक। ए है मेरे पास 1 2 3 4, ए है 1 2 3 4, चलिए ठीक है लिख दिया। उसके बाद बी है मेरे पास 2 4 6 8, चलिए लिख दिया 2 4 6 8। देन मेरे पास सी है 3 4 5 6, चलिए मैंने लिख दिया। अब यहां पर कह रहा है कि भाई फर्स्ट पार्ट में आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए, तो 1 2 3 4 को हटा दो तो क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9, सिंपल है। फिर सेकंड है आपका बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में आप 2 4 6 8 हटा दो तो क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं, थर्ड आपको कह रहा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो आप ए यूनियन सी निकाल लो। ए यूनियन सी कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये यूनियन आ गया। देखिए 1 2 3 4 यहां आ गया, 3 4 आ चुका है, तो 5 6 भी लिख दिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा 7 8 9, है ना। इसी तरह से आप आगे के दोनों पार्ट भी, तीनों पार्ट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा सा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आपको, यू है आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहां भी वही चीज है यारो, आपके पास यू दे दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले में ए दे रखा है ए बी सी, क्लियर है।
तो आप इसका इजीली कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका डी ई एफ जी एच, है ना। इसी तरह से बाकी है ये तो आप इजीली कर लोगे, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं डेफिनेटली करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर चलते हैं, ये तो बड़े सिंपल सिंपल से यार, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ये तो मजा आ गया इसको करने में। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री भी कुछ ऐसा सा ही लग रहा है, या तो सब जगह यही है। अब यहां पर है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो मेरे पास यू है वो है 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब फर्स्ट वाला है आपका एक्स, सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो भाइयों अगर हम नेचुरल नंबर में से इवन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ऑड। इसको अगर मैं ए लेता हूं तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मेरा y, such that y is a odd natural number, है ना, an odd natural number, clear है। इसी तरह से ये सारे हो जाएंगे यार, इसमें तो कोई लोड वाली बात ही नहीं है। चलो अपन देखते हैं टेंथ, देखते हैं इसमें डायरेक्ट, ये तो बड़े सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइज है, मजा आ रहा है इसको करने में। तो x such that x greater than equal to 7, वाह भाई वाह, है ना, इसको a मान लो तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा y such that y less than 7, क्या बात है, 7 से बड़े या बराबर सारे नंबर हटा दो तो क्या बचेंगे, 7 से छोटे। चलिए भाई ये भी हो गया अपना, और थर्ड में और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो बता देना, क्योंकि इसमें पार्ट बहुत ज्यादा है पर है सब लल्लू लल्लू सही। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, यू है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चलिए यू है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एकमात्र ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, ए आपका है 2, 4, 6, 8, चलिए भाई। उसके बाद बी है आपके पास 2, 3, 5, 7, तो आपको इसमें वेरीफाई करना है, मैं एक करा देता हूं दूसरा आप कीजिएगा। जैसे अपन को पहला वेरीफाई करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये आपको किसका करना है, डी मॉर्गन्स लॉ वाले वेरीफाई करने। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी कितना आएगा बेटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी का आप क्या करो, कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो देखो सब कुछ तो आ चुका है, केवल क्या नहीं आ रहा, 1 और 9, तो ये आ जाएगा 1, 9, और इसको दे दो आप फर्स्ट, ठीक है। अब निकालो आप ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कितना आता है बेटा, देखो 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद आप निकालो बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आता है बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका 1, ठीक है, फिर 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, फिर 9, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन कर लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉमन क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है दोनों में, 9 आ रहा है दोनों में, तो 1, 9, ये हो गया सेकंड। अब देखो ये और ये बराबर आ गए 1, 9, तो आप लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, कितना सिंपल है, है ना, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट देयरफॉर हेंस वेरीफाइड। इसी तरह आप सेकंड वाला भी कर लेंगे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये कहता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से तो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी समझाई थी तो शायद आपको बढ़िया वो तो समझ में आ गई होगी, फिर भी देख लेते हैं। ये कह रहा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर, फर्स्ट वाला पार्ट कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये बना दीजिए यू, ठीक है, ये ए ये बी, अब ए यूनियन बी क्या होगा, सब कुछ, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर वाला, ठीक है, ये हो गया भाई वेन डायग्राम से, बस इसी तरह आपको बताना है, ये तो बहुत सिंपल है यार। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका ये कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, क्या बात है, यू जो है आपके पास जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं उन सबका एक यूनिवर्सल सेट हो गया ये, है ना, सेट है सबका। ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ए जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन विच एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम
60 डिग्री। अब बाकी एंगल क्या है मुझे नहीं पता, पर एक एंगल जरूर कंफर्म बता दिया 60 डिग्री से अलग है। तो जब 60 डिग्री से अलग है यानी कि मैं कह सकता हूं वहां पर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ए के अंदर नहीं आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए, एक हमने यू क्या लिया है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स का हमने सेट ले लिया यू। ए क्या ले लिया, ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 60 डिग्री नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि एक 60 नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें तो क्या इक्विलेटरल में तीनों चाहिए, तो वो कंडीशन यहां वेरीफाई करेगी नहीं। तो यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, है ना, जो यहां नहीं है वो हमारा आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद आता है आपका सेवन। अब ये तो भाई डायरेक्ट है, इसमें तो करना ही क्या है, आप देख लो सेवंथ भी, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं। सेवंथ वाला कह रहा है आपको फर्स्ट पार्ट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड पार्ट कह रहा है नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, थर्ड कह रहा है आपको ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और फोर्थ कह रहा है आपको यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैंने ये डायग्राम बनाया यू ये ए तो बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, तो इसका आंसर आ गया यू, ठीक है। उसके बाद यहां पर है नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यू, तो ये हो जाएगा यू इंटरसेक्शन ए। अब यू इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए सिंपल है ना। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट, इनके कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन नहीं है तो नल हो गया, ये इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद आता है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, अब देखिए यू कॉम्प्लीमेंट क्या है, नल सेट, ठीक है, नल सेट इंटरसेक्शन ए। अब नल सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा ए के साथ, नल सेट का तो इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका नल सेट, क्योंकि कुछ कॉमन रहेगा ही नहीं। तो ये सिंपल सा देखिए हमारा पूरा एक्सरसाइज भी 1.5 हो गया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो एक्सरसाइज 1.5 में तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके एसएसआर वो क्वेश्चन जरूर करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।